Hello. No, no, no. Don't touch. Don't touch. Don't touch. Brother, don't touch. Brother, don't touch. Brother, don't touch. तो ये है भाई सामने का रास्ता जो दो पहाड़ों के बीच से रास्ता था। ओ भाई ये है देखो क्या गजब का रास्ता है यार। देखो शीशा लगा दिया यहाँ पे, ये देखो पूरा। और ये देखो भाई ये है यानी दो पहाड़ों के बीच में बहुत गहरा है भाई ये आप देखिए। और ये जा रहा है एस्केलेटर का रास्ता, यहाँ तो हम जाएंगे बट यहाँ से मैं थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ आपको। ये देखो भाई सबसे बड़ी बात ये देखो कैसे लगा रखा है, नीचे जरा सा भी सहारा नहीं है। मोबाइल छूट जाए कुछ भी हो जाए बंदा गिर जाए देखो बिल्कुल भी सहारा नहीं है भाई। बहुत अच्छी रास्ता है इसलिए यहाँ पर पुलिस वगैरह रहती है। ये मैंने फुल दिखा दिया आपको। ये देखो भाई तो मैं देखो एक ब्रिज दिखाई दे रहा है आपको, देखो ध्यान से। तो चलो अभी हम चल रहे हैं ऊपर एस्केलेटर वाले रास्ते पे। ये रास्ता है, इधर जाना अलाउ नहीं, मना कर रखा है। चलो तो दोस्तों जितना अभी हम नीचे से चले ना बिल्कुल नीचे से, उससे तीन गुना हमें ऊपर जाना है। कहाँ जाना है देखो, वो ऊपर जाना, बिल्कुल ऊपर जाना है जहाँ पर ग्लास ब्रिज है। आप सोचो कितने ऊपर ग्लास ब्रिज होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, जहाँ पर हम चल रहे हैं ना ये भाई बिल्कुल नीचे से खोखला है। देखो आवाज़ भी गूंज रही होगी, ये सब पत्थर देखो कटे हुए हैं। ये देखो भाई इस यहाँ पर चलते हुए इसे डर सा लग रहा है। सोचो जब इस पर चलते हुए डर लग रहा है जिस पर हम देख नहीं सकते, तो जो ग्लास ब्रिज होगा उस पर नीचे कैसा हाल होगा भाई। और वो यहाँ से तीन गुना ऊँचा है यार, जो पाले बड़े पहाड़ थे ना भाई छोटे दिखाई दे रहे हैं। मैं दिखाऊंगा आपको, देखो यहाँ पर खड़ा होने से भी डर लग रहा है। ये देखो ये जो माउंटेन देख रहा हो ना, इधर को डर लग रहा है कहीं मोबाइल वाले नहीं गिर जाए वो ऊपर जा करके। चलो और सबसे बड़ी बात जो है, अब जो एक्सेलेटर चलेगा ना, जो चलेगा वो पहाड़ों के अंदर से होकर चलेगा, बाहर से नहीं अंदर से होकर चलेगा। कम से कम तीन गुना चलेगा इससे। पूरा सब शीशा लगा रखा है इधर। ये देखो ये है एक्सेलेटर भाई, इसके अंदर ही अंदर पहाड़ों के अंदर बना रखा है, ये तीन गुना चल रहा है इसके, इसी के अंदर अंदर। देखो मैं दिखाता हूँ अभी आपको। वो भाई ये देखो ऐसे चलना है इसके अंदर ही बिल्कुल। यहाँ का शायद टिकट होता था उसमें 38 युआन का, यानी 32 युआन का हो सकता है ऊपर जाकर टिकट ले, लेकिन फिलहाल अभी तक तो टिकट यहाँ का हमसे लिया नहीं है। जो ग्लास भी यहाँ का जो सबसे वायरल वीडियो था यहाँ का जो देखा था आपने स्वर्ग वाला, और जो ऊपर वाला है ना भाई वो भी सबसे वायरल वीडियो है भाई। मतलब बंदे जाते हुए डर लगता है उन पर, क्योंकि ये सोचो कितनी ऊपर बना हुआ होगा ये। कम से कम 20 से लेकर 25 मिनट चलना पड़ता है अंदर अंदर इस लिफ्ट में, पूरे एस्केलेटर में। ये देखो तो फाइनली दोस्तों पहला पड़ाव पूरा हो गया। देखो मैंने कहा ना अभी हमें और चलना है भाई। देखो ये दूसरा पड़ाव आ गया आगे, ऐसे जाने कितने पड़ाव पूरे करने हैं भाई। ओ भाई ये तो और भी ऊंचा लग रहा है इससे। हेलो ये देखो तो दोस्तों ये दूसरा पड़ाव पूरा हो चुका है। देखो अभी और लिफ्ट है भाई और चलना पड़ेगा। बट दोस्तों ब्लॉग लंबा होगा बट मजा आएगा। लिफ्ट भी यहाँ पर तीन लगी हुई है भाई। यार देखो कितनी खतरनाक ये लोग एक्टिविटी करते हैं यार, बहुत ज़्यादा यार, ऊपर ही ऊपर यार, गजब। तो दोस्तों ये तीसरा जो पड़ाव है पूरा हो चुका है। देखो अभी इसमें एक दो लिफ्ट और बची हैं। ये देखो भाई आई थिंक मेरे सबसे या तो लास्ट होगी या हो सकता है इसके बाद कोई लास्ट हो। चलो चलते हैं फिर भी यार। ये आप देखो तो दोस्तों ये चौथा पड़ाव पूरा हो गया। हाँ चौथी पर ये लिफ्ट जाकर ख़त्म हो गई और अब ये ऐसा रास्ता आ गया है। अब सोचिए हम कितने ऊपर आ गए। ये एक्टिविटी जो है भाई सबसे ज़्यादा वायरल। अरे नहीं भाई अभी एक और है। ये देखो पांचवा ये है भाई। ये देखिए भाई मैं सोच रहा था चार पे ख़त्म हो जाएगी, भाई नहीं ये पांचवी है भाई। तो दोस्तों पांचवी मंजिल ही पूरी हो चुकी है। अरे बाप रे भाई अभी आगे और भी है। कितनी होगी यार ये, कब होगी लास्ट? आई थिंक शायद ये लास्ट हो बट अभी आसार तो नजर नहीं आ रहे हैं। पांच तो पूरी होगी भाई, छठे पे चल दिए हम ये। तो
और दोस्तों छठी मंजिल भी पार हो चुकी है। अरे बाप रे भाई, और भी है, पता नहीं कब लास्ट होगी। ये सातवीं है, आई थिंक सात के बाद लास्ट लग रही है, क्योंकि उजाला लग रहा है, तो आई थिंक ये लास्ट हो सकती है। चलो भाई, तो फाइनली दोस्तों सातवीं मंजिल पूरी हो गई। जी हाँ, ये लास्ट था दोस्तों, और माशाल्लाह अब फाइनली दोस्तों हम जो है बाहर आ चुके हैं। भाई कितना वेट कराया भाई, ये मान के चलो कम से कम तीन गुना मेरे हिसाब से ज़्यादा जो है ऊंचाई होगी। और यहाँ भाई बैठने को उठने का भी व्यू दे रखा है, और बहुत, क्योंकि इंसान थक जाता है यार पूरी तरीके से। तो पहले जो है मैं आपको सामने का व्यू दिखाता हूँ, और उसके बाद देखते हैं कि हमें करना क्या है। दिखाता हूँ भाई सामने का व्यू। ओ भाई, नीचे देखते हुए भी डर लग रहा है। ये देखो, ओ भाई बाप रे, देखो यहाँ से भी कितने ऊंचे पे है वो ग्लास ब्रिज। देखो वो है ग्लास ब्रिज, यहाँ नहीं है। मैं सोचा था यहाँ पर ग्लास ब्रिज होगा, नहीं, ग्लास ब्रिज वहाँ पर दे रखा है। तो आए थे यहाँ से टिकट होगा या कुछ ना कुछ ऐसा मसला होगा जो वहाँ पर। ये देखो, तो भाई अभी जो हम जाने वाले ना वो ग्लास ब्रिज में जाने वाले हैं। तो अभी तो बहुत चलना भाई, तो ये इसका रास्ता बताया, क्योंकि यहाँ तो नेटवर्क वगैरह भी काम नहीं कर रहे, तो ये किसी ने रास्ता बताया है कि यहाँ से जाओ आप, चलते हैं। यहाँ पर यार ट्रांसलेट की बहुत दिक्कत, उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा वो हुआ है, बट चलो चलते हैं। हाँ भाई, यहाँ पे लिखा हुआ तो है, ये देखो एस्टर्न ग्लास बॉटम, ये वाला ये रास्ता और ये वाला रास्ता लिखा हुआ है। तो चलो इधर से चलते हैं। तो देखो ये रास्ते कैसे बनाए गए हैं, मतलब इसे काट करके, तो ये सोचो हम खोखले रास्ते पे चल रहे हैं। बट चलो भाई, यार एक चीज़ देखी मैंने यार, एडवेंचर एक्टिविटी जितने भी रिकॉर्ड है ना यार, सब चाइना के पास है यार। तो चलो अभी जो है आगे चल रहे हैं भाई जितना हो सकता है। पीक पे कैसा लग रहा है, वो अजीब सा लग रहा है। अच्छा पहले मेरे दिमाग में था कि साथ ये होगा ग्लास ब्रिज, लेकिन आई थिंक ये ग्लास ब्रिज है नहीं मेरे हिसाब से, आई थिंक, क्योंकि हमें इधर को चल रहा है, हो सकता है ऐसे घूम के इधर को जाना हो, ये भी हो सकता है। भाई यहाँ भी इतना पैदल चल रहा है यार। भाई अगर आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो ना तो बहुत मत आना भाई, बहुत चढ़ाई है, बहुत चढ़ाई। एक्सीलेटर से थोड़ी बहुत सुकून मिल जाता है, लेकिन भाई बहुत चढ़ाई है, चढ़ ही रहे हैं अभी तो। तो फाइनली दोस्तों आई थिंक ये रास्ता है ग्लास ब्रिज का, और ये देखिए भाई आई थिंक ये रास्ता आ चुका है। तो आई थिंक दोस्तों यहाँ है, इसका भी कोई टाइम है, 8 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक का टाइम है इस पर। देखते कोई टिकट वगैरह है इसका या नहीं है, लेकिन लक बहुत ख़तरनाक रहा क्योंकि बिल्कुल साइड से बनाया हुआ है। तो भाई इसका हमें टिकट लेना है, चलो टिकट लेते हैं। टिकट कितने का है इसका? तो दोस्तों टिकट तो सस्ता है, केवल 5 युआन का है, यानी 60 रुपये का है। दुनिया का सबसे ख़तरनाक शीशे का जो ब्रिज है उस पर हम चलने वाले। तो ये देखो यहाँ से इसका रास्ता है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो सामने ग्लास ब्रिज, जो दुनिया का सबसे खतरनाक ग्लास ब्रिज है। यहाँ से देखो भाई, ये देखो, ओ भाई, ओ भाई, ये देखो भाई। और ये जो माउंटेन है ना, ये कितने छोटे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़े माउंटेन है। ये देखो वो जहाँ से हम आए थे ये माउंटेन, और ये भाई देखो यहाँ पर हम चलने वाले हैं। तो भाई फाइनली यहाँ से शुरू हो चुका है भाई, कसम से बता रहा हूँ यहाँ से, मतलब एक डर तो लगता ही है यार। क्या लगता है, क्योंकि नीचे की जो गहराई देख रहे हैं ना भाई, ये जो नीचे की गहराई देख रहे हैं ना, यहाँ से एक अजीब सा डर लगता है। और चलो आगे चलते हैं हम। ये देखो ये देखो, हेलो, ये देखो भाई यहाँ से खतरनाक, यहाँ से भाई हेलो देखो लड़की तो जा भी नहीं रही, इधर ही है, इधर जा ही नहीं रही। देखो ये देखो लड़कियों का डर कितना। और भाई देखो हवा टाइट हो रही है, देखो ये भाई नीचे को ना देखते के साहब, वो भाई ओ ये देखो एक लड़की है तो वो साइड में जा रही है। देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो देखो ये देखो ये है, ये देखो देखो ओ भाई देखो यहाँ से देखियो नीचे का यार व्यू, ओ भाई वाकई में खतरनाक है भाई। पता है रियल में बता रहा हूँ, अच्छे से अच्छे इंसान की हवा टाइट हो जाती है। ये देखो नहीं जा रही, देखो ये देखो, या यू शुड गो
ओ भाई यार, ये देखो देखो, हेलो, नो नो नो, डोंट टच, ओह देखो, भाई, ओरे भाई, ब्रदर, डोंट टच, डर लग रहा है भाई, ओ भाई, ओपे, ओ भाई देखियो, ये देखो भाई. ये है दुनिया का सबसे खतरनाक ब्रिज. तो फाइनली दोस्तों हमारी मंजिल लगभग पूरी हो चुकी है और ये देखो भाई बहुत गजब है, खतरनाक. देखो यहाँ से फोटो वगैरह खींचते हैं, ये जाके आप थोड़ा सा यहाँ पर जो है भाई आराम वगैरह कर सकते हो. ये देखो तो फाइनली दोस्तों ग्लास ब्रिज जो हमने पार कर लिया, ये वन साइड का है, वापस नहीं जा सकते. लेकिन मैं कितना डेंजर है वो दिखाता हूँ आपको. ये भाई व्यू देखो, और ये देखो भाई माउंटेन, और ये जो देख रहे हैं ना सामने, ये जो सामने देख रहे हैं ये क्या है, ये वही है जो मैंने आपको गुफा दिखाई थी ना, स्वर्ग वाली गुफा, वो गाई देखी. और देखो कहाँ से कहाँ था हम, कितने ऊपर आए हैं वो, ये देखो. और ये देखिए कितना खतरनाक है, और ये जो है पूरा यहाँ से हमें जो है वापस बैक जाना है. और देखो लोग आगे तक भी जा रहे हैं भाई, घूमते हुए आगे तक जा रहे हैं. देखो कितना रिक्स वाला रास्ता भाई, अपना तो मन नहीं कर रहा था. यहाँ से हम जो है आप वापस होंगे, मज़ा आ गया दोस्तों. तो भाई पहले मेरा आगे जाने का प्लान नहीं था, बट मैं इसलिए जा रहा हूँ. आगे ना एक पॉइंट है, लव बिटवीन ट्री एंड रॉक्स, तो मतलब चलो लास्ट पॉइंट है वो भी देख लेते हैं. बाकी तो भाई खतरनाक रास्ते से गुजर ही रहे हैं. वे भाई ये देखो बिल्कुल शांत पड़ा हुआ बिल्कुल. चलो आगे चल रहा है, फिर वहां से वापस जाएंगे. मेरे हिसाब से पूरा है ये घूमने का, आधा पौन एक किलोमीटर का रास्ता है. रास्ते ऐसे है कि बीच बीच में पेड़ भी आ रहे हैं, और मुझे डर लग रहा है कि ये लकड़ी का है ना, अगर जरा सा टूट जाए कुछ हो जाए तो साइड में क्या होगा. देखियो पूरा का पूरा खाई है ये, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि लकड़ी का नहीं होगा, ये लोहे का होगा. ऊपर लकड़ी का फ्रेम बड़ा कर दिया होगा इन्होंने. ये देखिए, ये देखो भाई कितना खतरनाक व्यू है. ये देखिए भाई, ये देखो, ओ भाई ये देखियो, ये देखो, दोस्तों ये तो पूरा मौत का खेल है. ये देखो भाई गजब, ये देखो भाई. तो दोस्तों अभी जो आ चुका है ना खतरनाक रास्ता आ चुका है, ये देखो पूरा का पूरा. और सबसे बड़ी बात क्या है भाई, इस रास्ते पे अकेला मैं ही हूँ, कोई है भी नहीं. यार ये तो काफी एडवेंचर ब्लॉग हो गया और काफ़ी लंबा भी हो गया, बट ये है कि सही बताऊँ डर भी लग रहा है, एक मज़ा भी आ रहा है. मैंने अपनी अम्मी को ना ब्लॉक कर रखा है यूट्यूब से, उनकी आईडी से मैंने ब्लॉक कर रखा है. आपको ये आवाज़ आई है मेरे सामने से, आई थिंक कोई आ रहा होगा या जा रहा होगा. ओ हेलो हेलो. ये देखो यहाँ पर कैमरे लगा रखे हैं. यस है, येंदो येंदो, यस येंदो, हेलो यस. ये है भाई वाकई में यार रास्ता खतरनाक. तो कोई यहाँ पे कैमरे लगा रखे हैं, कोई दिक्कत हो जा तो ये है. अभी भाई बहुत चलना है, तो घुमा कर पूरा घुमा ही दिया.
भाई ये तो हमें एक जंगल में लिया है यार। और देखो यार कोई भी नहीं है यार, बट एक ऐसा सुकून है कि ऐसा पीस आ रहा है कि यहीं सो जा यार। आप सामने से कुछ लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं भाई, लव एंड ट्री, मतलब बिटवीन लव एंड ट्री। ओ भाई वाकई में यार, हेलो हेलो। तो भाई ये लोकेशन आ चुकी है, ये लोकेशन ऐसी है कि यहाँ पर आराम कर सकते हो, बैठ सकते हो, स्नैक्स वगैरह ले सकते हो। तो मैंने सोचा कुछ खास हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई एक मैंने बिस्किट लिया है जो मुझे मिला है 120 रुपए का, कोल्ड ड्रिंक ली है वो भी 120 रुपए की है, और बाकी कुछ है नहीं। तो क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, मेन जो पॉइंट है देखने का यहाँ से आगे फिर जो मंदिर था बुद्धिस्ट मंदिर था तो मैंने उसको स्किप कर दिया। तो यहाँ पर दो ही पॉइंट है घूमने के, एक तो है ग्लास ब्रिज, बहुत शानदार है यार बहुत, और एक नीचे जो है वो तुम्हारे की कैब जो है, तुम्हारे की जो स्वर्ग वाली जो कैब है, दो पॉइंट घूमने के। बाकी यार दोस्तों बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों चलो मैं अब इस ब्लॉग का एंड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो रहा है, और मैं आया था घूम के इधर से जा रहा हूँ। तो आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस ब्लॉग को प्यार दें, और अगर आप यहाँ तक आ गए तो आप जेन्युइन इंसान हैं, या तो आप मुझसे प्यार करते हैं या मेरे कंटेंट से प्यार करते हैं। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैं YouTube पर काम कर रहा हूँ और YouTube पर सक्सेस हासिल कर रहा हूँ, आप चाहो तो आप भी ट्राई कर सकते हो। और मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पर किस तरह से वीडियो वायरल होती है, किस तरह से चैनल ग्रो करता है, एक अपना पेड कोर्स बनाया है जो लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से लिंक पर जा करके है आप उस पेड कोर्स को जो है परचेस कर सकते हो, काफ़ी बेनिफिट होगा आपको उससे। थैंक यू, जय हिंद।